नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, दैट इज फंक्शन। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। ओके, तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो चलिए वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन। ओके, तो बात करते हैं फंक्शन क्या है। देखो, पहले तो ना फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि देखो, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्टेटमेंट्स का ग्रुप है। ओके, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन करना, स्वैपिंग करना दो नंबर्स की, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज की, राइट? ऐसे वो टास्क परफॉर्म करता है। बट बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम कंबाइन कर देते, उनको हम कहते हैं फंक्शन। ओके, तो फंक्शन कैसे तैयार होता है, सिंटैक्स क्या है फंक्शन का, वो देखते हैं। देखो, पहले तो रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद इन ब्रैकेट पैरामीटर लिस्ट, और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आपको डालने, मतलब कि जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है उसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हम डालते हैं इस बॉडी के अंदर, मतलब कि इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। समझ रहे हो क्या हो रहा है? पहली बात, रिटर्न टाइप, इसके बारे में आप भी भूल जाओ, मैं आगे इसको आपको समझा दूंगा। ओके, उसके बाद फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या है? फंक्शन नेम मीन्स आपको जो भी नाम फंक्शन को देना है, जैसे आप देते हो ना वेरिएबल को ए बी सी, ओके, वैसे आप कोई भी नाम दे सकते हो फंक्शन को, वो है आपका फंक्शन नेम। ओके, उसके बाद आता है पैरामीटर लिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, ये दोनों है इंपॉर्टेंट, बट इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। देखो, पैरामीटर लिस्ट क्या है? देखो, तो पहली बात तो समझ लेते हैं कि फंक्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, राइट? जो अगर हम प्रोग्राम को डायरेक्टली कर सकते हैं तो फंक्शन, मतलब कि एक फंक्शन हम डिफाइन क्यों करते हैं? देखो, अगर आपको एक ही चीज़ प्रोग्राम में बार बार करनी है, मतलब कि एग्जांपल देखते हैं, देखो अगर आपको दो नंबर्स की एडिशन बार बार प्रोग्राम में करनी है तो आपके हर बार कोड लिखते चलोगे? मतलब कि अगर आपको 20 बार एडिशन करनी है, 30 बार एडिशन करनी है, तो हर बार आप एडिशन का जो कोड है वो लिखते चलोगे? बिल्कुल नहीं। मैं तो इतना बेवकूफ़ हूँ नहीं कि इतने बार कोड लिखूंगा। ओके, तो यही भी बात आती है फंक्शन की। तो मैं क्या करूँगा, ऐड नाम का एक फंक्शन बना दूंगा, ओके, और उसे हर बार कॉल करते चलूँगा, मतलब कि हम उस फंक्शन का यूज़ हर बार कर पाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक ऐड फंक्शन बना देंगे जिसमें कि एडिशन की जो प्रोसीजर है, एडिशन के जो स्टेटमेंट्स है वो स्टोर होंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, मुझे जहाँ जहाँ पर भी एडिशन करनी होगी वहाँ वहाँ पर मैं उस फंक्शन को कॉल लगाऊंगा। ओके, तो कॉल क्या होता है, फंक्शन को कॉल कैसे लगाते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं। ओके, अब हम क्या पे थे, अब हम थे पैरामीटर लिस्ट की तरफ। तो पैरामीटर लिस्ट क्या है? देखो, अगर आपको दो नंबर्स की एडिशन करनी है हर बार प्रोग्राम में, राइट, तो आपको दो नंबर्स वहाँ से पास करने होंगे फंक्शन को, राइट? तो वो पास कैसे होंगे, वो होंगे पैरामीटर लिस्ट के जरिए। पैरामीटर लिस्ट होते हैं प्लेस होल्डर्स की जगह, मतलब कि होल्डर्स की जगह। ओके, उसमें क्या होता है, वैल्यूज आगे पुट होती है। देखो, अगर मुझे दो इंटीजर्स की एडिशन करनी हो, मतलब कि हमारे प्रोग्राम में हमें सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स की, इंटीजर नंबर्स की ही एडिशन करनी है हर बार, जितनी भी बार करनी है उतनी बार हमें इंटीजर वैल्यूज की जो है वो एडिशन करनी है। तो यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट क्या बनेगी, इंटीजर ए, उसके बाद इंटीजर बी। ओके, मतलब कि जो भी वैल्यूज हम पास करेंगे फंक्शन कॉलिंग के वक्त से, तो क्या होगा, वो जो वैल्यूज है वो ए और बी में स्टोर हो जाएंगी, और उसके बाद हम ए और बी को ऐड कर पाएंगे फंक्शन में। ओके, तो इसका हम डिटेल में एग्जांपल देखते हैं। ओके, उसके बाद आती है बॉडी। ओके, तो बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी टास्क हमें परफॉर्म करने हैं उसके जो स्टेटमेंट्स है वो हम डालते हैं इस बॉडी के अंदर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें दो नंबर्स की एडिशन वाला फंक्शन बनाना है वो हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ओके, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जो दो नंबर्स की एडिशन करेगा। ओके, पहला तो रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर रिटर्न टाइप में वॉइड रखने वाला हूँ, बट वो क्यों वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। ओके, तो वॉइड, उसके बाद फंक्शन का नाम जो मैं डालता हूँ ऐड, ओके, और उसके बाद इन ब्रैकेट पैरामीटर लिस्ट। तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स की एडिशन करनी है, तो पैरामीटर्स क्या बनेंगे, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। तो जब भी कोई फंक्शन कॉलिंग के वक्त से वैल्यूज पास करेगा तो वो वैल्यूज़ ए और बी में स्टोर हो जाएंगी, और ए और बी जो है हम इस फंक्शन में यूज़ कर पाएंगे। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर सम, जिसमें कि इन दो नंबर्स की एडिशन स्टोर होगी। ओके,
उसके बाद सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। उसके बाद सम को जो है वो सी आउट कर देते, मतलब कि प्रिंट कर देते, ओके। तो ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, दो नंबर्स ले रहे और उन दोनों के एडिशन को डिस्प्ले कर रहे, ओके। सिंपल फंक्शन है ना, राइट। तो देखो, अगर हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ओके। फंक्शन को मेमोरी तब तक अलोकेट नहीं होगी जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं लगा दें। फंक्शन को कॉल कैसे लगा दें वो देखते। देखो, फंक्शन को कॉल लगाने के लिए फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, उसके बाद सेमीकोलन लगा दो। तो इसकी मदद से आप फंक्शन को कॉल लगा सकते हो कहीं भी, मतलब कि आपके मेन फंक्शन के अंदर, ओके, समझ रहे हो, ओके। तो देखो, यहाँ पे ना हम वैल्यूज को पास कर सकते हैं। तो इस केस में बात करते हैं क्या होगा। देखो, मुझे ऐड फंक्शन को कॉल लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा। देखो, ये सब होगा मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन भी एक फंक्शन ही है। एक बात ध्यान में रखो कि सी प्लस प्लस में एटलीस्ट वन फंक्शन होता है, एक फंक्शन जरूर होता है, वो होता है आपका मेन फंक्शन, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ऐड फंक्शन को कॉल लगाते हैं, ओके। तो ये होगा मेन फंक्शन के अंदर, ओके। तो मेन फंक्शन के अंदर मैं इसको कॉल लगाता हूँ, तो ऐड, और इसके अंदर मैं वैल्यूज डालता हूँ 10, 20, ओके। तो क्या होगा, देखो ये पैरामीटर लिस्ट है, मतलब कि ये प्लेस होल्डर से, अगर मैं यहाँ पे से कोई भी वैल्यूज पास कर रहा हूँ तो ये जो वैल्यूज है ये इन पैरामीटर्स में स्टोर हो जाएंगी, ए और बी में स्टोर हो जाएंगे। तो इस केस में बात करो तो 10 स्टोर हो जाएगा ए में और 20 स्टोर हो जाएगा बी में, ओके, क्लियर, ओके। देखो, एक डिफरेंस समझ लो कि इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स, ओके, पैरामीटर्स, और इनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पैरामीटर्स प्लेस होल्डर से जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर पाते, ओके। मतलब कि यहाँ से अगर हम वैल्यूज पास कर रहे हैं तो यहाँ पे उन वैल्यूज को स्टोर करने का काम पैरामीटर्स करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स आर रियल वैल्यूज। आर्ग्यूमेंट्स क्या है, वैल्यूज है जो हम पास कर रहे हैं, ओके। तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे होता है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल लगाऊंगा तो क्या होगा, इस फंक्शन को मेमोरी में जगह एलोकेट हो जाएगी और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाएगा, ओके। तो अब क्या होगा, अब हम आएंगे फंक्शन के अंदर, तो सम वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद सम इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा जो होगा 30, ओके। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, वो 30 है, तो सी आउट हो जाएगा सम, यानी कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे 30 मिल जाएगा, ओके, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं रिटर्न टाइप क्या है। देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, मैं सी आउट को मिटा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ रिटर्न सम, तो क्या होगा, सम में जो भी वैल्यू है वो आपके फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे इंटीजर टाइप चेंज करना होगा, वो होगा इंटीजर, ओके। मतलब कि सम की वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो सम की जो वैल्यू है वो आपके फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी, ओके। तो इस ऐड की जगह मुझे क्या करना होगा, मुझे सी आउट ऐड करना होगा, ओके। अब ये ऐड जो है ये एक वैल्यू है, तो आप क्या होगा, देखो अगर मैं फंक्शन को कॉल लगा रहा हूँ तो क्या होगा, फंक्शन पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा और अगर उसमें कोई रिटर्न का स्टेटमेंट है तो क्या होगा, वो जो वैल्यू है सम की वो आपके ऐड फंक्शन को असाइन हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं ऐसा करूँ सी आउट ऐड, तो ही इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैं डिस्प्ले करा पाऊंगा, ओके। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ इंटीजर डी इज इक्वल टू ऐड और 10, 20, तो क्या होगा कि ये जो 30 है वो स्टोर हो जाएगा डी में। क्यों, क्योंकि मैंने रिटर्न सम किया हुआ है, तो सम की वैल्यू फंक्शन को रिटर्न हो चुकी है, फंक्शन को असाइन हो चुके है, वो वैल्यू अब असाइन हो जाएगी डी वेरिएबल को, ओके। समझ में आ रहा है इंटीजर टाइप क्या है, और ये जो वैल्यू है ना उसका जो टाइप है वो है आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप, समझ रहे हो। चाहे वो इंटीजर हो सकता है, चाहे वो फ्लोट हो सकता है, चाहे वो कैरेक्टर हो सकता है, राइट, वो जो भी हो, बट वो है आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप। अब समझ में आ रहा है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन कैसे हम यूज़ होते हैं, ओके। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन फंक्शन के बाद, मेन फंक्शन के एंड में हम रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उस फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, ओके। देखो, एक और बात है कि पैरामीटर लिस्ट हो ही ऐसा नहीं है, ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि जहाँ पे पैरामीटर लिस्ट की कोई ज़रूरत ही ना हो, ओके। तो मैं एक यहाँ पे ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ, देखो अगर मैं ऐसा फंक्शन बनाऊँ void, उसके बाद डिस्प्ले, ओके, उसके बाद कोई भी नहीं,
मतलब कि पैरामीटर लिस्ट बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, ओके। उसके अंदर मुझे क्या करना है, सिर्फ सी आउट करके वेलकम लिखना है, ओके, और सेमीकोलन, ओके। तो इस फंक्शन को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब कि इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, और उसके बाद कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं है, मतलब कि कोई भी वैल्यू इस फंक्शन के पास नहीं हो रही, ओके। तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल लगाऊंगा, तो क्या होगा, डिस्प्ले, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल लगाऊँ तो सिंपली हमें वेलकम प्रिंट हो जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन में पैरामीटर लिस्ट हो ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कुछ फंक्शन में हमें इसकी ज़रूरत होती है बट कुछ फंक्शन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के दो टाइप बन के आ रहे हैं, पहला टाइप क्या है, फंक्शन विद नो पैरामीटर्स, दूसरा टाइप क्या है, फंक्शन विद पैरामीटर्स, ओके, और तीसरा टाइप होता है फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ओके। तो देखो अगर कोई बंदा है जो गलती से यहाँ पे 20 डालना भूल गया, मतलब कि वहाँ पे उसने एक ही आर्गुमेंट को पास कर दिया जहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली कंपाइलर हमें एरर दिखाएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन पैरामीटर्स को हम कुछ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे हमें जितनी चाहिए उतने आर्गुमेंट्स ना आए तो क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ है वो यूज़ हो पाएंगी प्रोग्राम में, फंक्शन में, ओके। तो मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू ज़ीरो कर देता हूँ, मतलब कि इंटीजर a इज इक्वल टू ज़ीरो और इंटीजर b इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या होगा, यहाँ से अगर कुछ भी वैल्यूज़ पास नहीं हो रही तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उनका फंक्शन यूज करेगा, समझ रहे हो क्या हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक की वैल्यू भेज दी जा रही है, तो a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और b जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन पास नहीं हुई है, ओके। तो क्या होगा, 10 प्लस 0 यहाँ पे 10 आ जाएगा और डिस्प्ले हमें आउटपुट स्क्रीन पे 10 हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे हमें 10 प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब समझ में आ रहा है, तीसरा टाइप क्या है, फंक्शन विथ डिफॉल्ट पैरामीटर्स, मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसके पैरामीटर्स की वैल्यू हमने डिफॉल्ट सेट करके रखी है, ओके। मतलब कि कोई भी वैल्यूज अगर पास नहीं हो रही है फंक्शन को, तो वो क्या करेगा, उन डिफॉल्ट वैल्यूज़ का यूज़ करेगा फंक्शन में, समझ रहे हो। तो इसके से बात करो तो a और b जो है दो वेरिएबल से, राइट। तो अगर मुझे b की वैल्यू पास करानी है, ओके, मतलब कि a जो है मुझे डिफॉल्ट यूज़ करना है, डिफॉल्ट जो वैल्यू a की वो मुझे यूज़ करनी है, तो इस केस में यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि फंक्शन प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होता है। सो गाइस, जब हम आ चुके VS कोड के अंदर, ओके, तो मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ फंक्शन डॉट cpp, ओके। तो इसके अंदर पहले हेडर फाइल डाल देता हूँ, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ओके। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। उसके बाद इंटीजर मेन यानी कि मेन फंक्शन, ओके। देखो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि C++ के अंदर फंक्शन में प्रोग्राम में एक ना एक फंक्शन मौजूद ज़रूर होता है, वो होता है मेन फंक्शन, ओके। तो ये है आपका मेन फंक्शन इंटीजर मेन, ओके। उसके बाद रिटर्न 0। देखो हमारे पास 3 टाइप्स के फंक्शंस है, ओके। पहला तो फंक्शन विद नो पैरामीटर्स, दूसरा फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड थर्ड वन इज फंक्शन विथ डिफॉल्ट पैरामीटर्स। हम तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। तो पहला फंक्शन हम बनाएंगे जो होगा फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स, मतलब कि जिसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं होंगे, ओके। तो देखो किसी भी फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसे कॉल कर सकते हैं बट डेफिनेशन नहीं लिख सकते, ओके। फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगा, इस मेन फंक्शन के बाहर फंक्शन बनाऊँगा, ओके। तो फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स, ओके। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन में आता हूँ, इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी, तो मैं यहाँ पे void डालता हूँ, void। उसके बाद फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ डिस्प्ले, ओके। और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, ओके। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक मैसेज प्रिंट करूँगा सी आउट, और मैसेज प्रिंट करते वेलकम टू PM गुरु, ओके। और उसके बाद सेमीकोलन डाल देते,
ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल लगा दो। वो हम कैसे लगाएंगे, वो हम लगाएंगे मेन फंक्शन के अंदर। तो देखो, अगर मुझे फंक्शन को कॉल लगाना है तो क्या करना होगा, डिस्प्ले यानी कि फंक्शन का नाम, ओके, और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, ओके, उसके बाद सेमी कोलन डाल दूंगा, ओके। अब मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और रन कर लेते हैं। तो देखो, वेलकम टू पीएम गुरु प्रिंट होके आ चुका है। देखो, एग्जीक्यूशन जो है ना वो मेन फंक्शन से शुरुआत होता है। तो क्या हुआ, पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल लगाया, तो कंट्रोल चला गया डिस्प्ले फंक्शन के पास। तो उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स थे वो उसने डिस्प्ले करा दिए। तो वेलकम टू पीएम गुरु आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होके आ गया। तो इस फंक्शन में ना तो कोई रिटर्न टाइप था और ना ही कोई पैरामीटर्स थे, ओके। तो अब हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर पैरामीटर्स होंगे और रिटर्न टाइप भी होगा, ओके। तो अब हम बनाते हैं फंक्शंस विथ पैरामीटर्स, फंक्शन विथ पैरामीटर, ओके। तो यहाँ पे मुझे रिटर्न टाइप इंटीजर देना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दो नंबर्स के एडिशन वाला फंक्शन लिखने वाला, ओके। तो दो वो दो नंबर्स इंटीजर्स होंगे, ओके। तो इंटीजर की जो एडिशन होती है वो इंटीजर होती है, राइट। तो इंटीजर, उसके बाद फंक्शन का नाम जो है ऐड, ओके। उसके बाद मैं दो यहाँ पे पैरामीटर डालता हूँ, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ओके। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है फंक्शन लिख लेते, फंक्शन की बॉडी लिख लेते। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते थे जिसमें कि मैं ए और बी के एडिशन को स्टोर करूँगा, ओके। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं सम को, रिटर्न सम, ओके। अब क्या हो चुका है, सम में जो वैल्यू है वो ऐड को रिटर्न हो चुके हैं, ओके। तो आप क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल लगा दे, ओके। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल लगा दूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते इंटीजर डी, जिसमें कि सम की जो वैल्यू है, मतलब कि ऐड फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेव हो पाए, ओके। उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल लगाऊंगा ऐड, उसके बाद इसके अंदर मैं वैल्यूज डालता हूँ 10, 20, ओके। उसके बाद सेमी कोलन डाल देते, ओके। अब प्रोग्राम को सेव कर लेते और ओके, पहले मुझे डी को जो है वो डिस्प्ले कराना पड़ेगा, सी आउट और डी, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो, वेलकम टू पीएम गुरु, उसके बाद 30 प्रिंट हो चुका है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस पीएम गुरु के बाद एंडेल लगा देता हूँ, तो क्या होगा, अगले लाइन पे जम कर जाएगा, ओके। तो अगेन सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो, वेलकम टू पीएम गुरु के बाद 30 प्रिंट होके आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ऐड नाम के फंक्शन को कॉल लगाया, तो कंट्रोलर गया ऐड नाम के फंक्शन के पास। उसके बाद 10 असाइन हो गया ए में और 20 असाइन हो गया बी में, ओके। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसके बाद सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब कि ए प्लस बी की जो एडिशन है वो सम में स्टोर हो गई, और मैंने सम को रिटर्न कर दिया फंक्शन को, मतलब कि सम में जो वैल्यू है 30 वो रिटर्न हो गई ऐड फंक्शन को, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को हटा देता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे मुझे टाइप देना था, मैं भूल गया, इंटीजर, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेकंड वेरिएबल तैयार कर लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू 30, ओके, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई डाल दूँ तो क्या होगा, देखती है, ओके। प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते, ओके। तो 50 लिख के आ चुका है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि वेरिएबल्स का पहले डिक्लेयर कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स को हम पास कर सकते हैं फंक्शन को। तो एक बात ध्यान में रखो कि जब भी हम फंक्शन को वैल्यूज़ पास करते हैं तो वैल्यूज़ पास होती है, वेरिएबल्स नहीं, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर दूँ तो इन ओरिजिनल वेरिएबल्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे एक्स और वाई की सिर्फ वैल्यूज़ पास हो रही है, वेरिएबल्स नहीं, ओके। तो देखो, यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, तो क्या कर सकते हो, देखो, यहाँ पे मैं फंक्शन को अलग से डिक्लेयर भी कर सकता हूँ, मतलब कि देखो, इंटीजर ऐड अगर मैं कर लूँ, उसके बाद इन ब्रैकेट मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स के जो टाइप है वो डालना पड़ेगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर, ओके। तो अगर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें पैरामीटर्स के जो नाम है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो उसके बाद सेमीकोलन, अब क्या हो चुका है, मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, तो ओके। तो अब मुझे फंक्शन को डिफाइन करना होगा,
तो ये रही आपके फंक्शन की डेफिनेशन। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को अलग से डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसे विद इन डेफिनेशन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं है। वैसे तो मुझे पर्सनली ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत क्या है ना। ओके, तो देखो, अगर कोई फंक्शन में वैल्यूज पास करना भूल गया तो क्या होगा वो देखते। ओके, तो फंक्शन विथ डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें डिफॉल्ट पैरामीटर्स, मतलब कि पैरामीटर्स की वैल्यूज जो है वो मैं डिफॉल्ट सेट करके रखूँगा। ओके, तो मैं एड वन नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, तो एड वन। ओके, इसके बाद इसके अंदर मैं इंटीजर ए और इंटीजर बी। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेरिएबल्स के मतलब कि पैरामीटर्स के जो नाम है वो चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको सी और डी कर देता हूँ। ओके, इंटीजर सी और इंटीजर डी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सी को डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ 0 और इसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ 0। ओके, मतलब कि सी और डी की जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो 0 0 है। मतलब कि अगर कोई बंदा है जो फंक्शन के वक्त वैल्यूज पास करना भूल गया तो ये सी इज इक्वल टू 0 और डी इज इक्वल टू 0 लेके ये फंक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। ओके, तो इसके अंदर क्या करते हैं, अगेन एक सम वन नाम का एक वेरिएबल तैयार कर देते। ओके, सम तो मैंने यहाँ पे कर लिया था। ओके, तो सम वन कर लेते। तो सम वन इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी सी प्लस डी। ओके, तो अब क्या करते हैं, रिटर्न कर देते सम वन। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। तो आप क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल लगाते। ओके, तो देखो, मैं इस फंक्शन की जगह एड वन को कॉल लगाता हूँ, एड फंक्शन की जगह। ओके, तो एड वन, उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यूज पास करता हूँ। देखो, सपोज मैंने सिर्फ एक्स की वैल्यू पास कर दी। ओके, तो क्या हुआ देखते, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो 20 डिस्प्ले होके आ चुका है। अब ऐसा क्यों, देखो ए की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे मुझे एरर दिखाना चाहिए था। अगर मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके नहीं रखी हुई थी तो ये मुझे एरर दिखाता। ओके, बट मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखी है तो क्या हुआ, एक्स में जो वैल्यू है 20 वो स्टोर हो गई सी में, और डी में मैंने, डी के लिए मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं करी, तो इसने क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ उसने प्रोसीड कर लिया और वो एडिशन बन गए 20 और वो रिटर्न हो गई एड वन फंक्शन को। और एड वन फंक्शन में, एड वन फंक्शन में जो वैल्यू है वो मैंने स्टोर कर दी डी में और डी की वैल्यू अब डिस्प्ले हो चुकी है। तो देखो, अगर फंक्शन कॉलिंग के वक्त से कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही तो फंक्शन क्या करेगा, इन डिफॉल्ट वैल्यूज का यूज़ करेगा प्रोग्राम को, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, समझ रहे हो। तो पहला फंक्शन क्या, कौन सा था, वो था फंक्शन विद नो पैरामीटर्स, जिसमें कि कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। ओके, उसके बाद दूसरा फंक्शन कौन सा था, दूसरा टाइप कौन सा था, फंक्शन विद पैरामीटर्स, मतलब कि यहाँ पे हम पैरामीटर्स का यूज़ करते। ओके, उसके बाद तीसरा फंक्शन क्या था, वो था फंक्शंस विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करके रखता हूँ। ओके, मतलब कि अगर किसी ने फंक्शन कॉलिंग के वक्त से वैल्यूज पास नहीं करी तो क्या होगा, फंक्शन इन डिफॉल्ट वैल्यूज को लेके अपना जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर लेगा। ओके, तो आप समझ में आ रहा है कि क्या है फंक्शन, फंक्शन कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।